तो आज हम शेयर करेंगे बैक प्लेटेड इंस्टेंट हिजाब की कटिंग स्टिचिंग। ये हिजाब मैं 2 मीटर फैब्रिक से बना रही हूँ। इसके लिए आप शिफॉन फैब्रिक या जॉर्जेट ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको पुराने दुपट्टे के साथ भी बना सकते हैं। एंड ये जो हिजाब का साइज़ है वो सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में हिजाब का परफेक्ट मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो तरीका बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरा जो 2 मीटर फैब्रिक है इसको पहले मैं लेंथ वाइज यानी किनारे वाली तरफ से डबल फोल्ड कर लूँगी। एंड इसके बाद फोल्डेड साइड से मैंने 30 इंच पर मार्क किया है, तो बंद वाली साइड से हमने 30 इंच पर मार्क किया है। अब खुली वाली साइड यानी किनारे वाली तरफ भी हम 30 इंच पर मार्क करेंगे। तो 30 इंच की लेंथ पर हमने एक सर्कल मार्क किया है। आप इस सर्कल को 25 से लेकर 30 इंच की लेंथ पर ले सकते हैं। अगर आपको छोटा साइज़ बनाना है तो आप 25 इंच ले सकते हैं, और बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो आप 30 इंच ले सकते हैं। अब इस मार्क पर हम कट कर लेंगे, सो ये हमारा हाफ सर्कल इस तरह से कट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जो इसकी फोल्ड साइड है ऊपर की तरफ हम एक छोटा सा नॉच लगा देंगे जो इसका सेंटर बनेगा। तो लीजिए, ये हाफ सर्कल हमारे हिजाब का थर्ड वाला पार्ट होगा जो सबसे नीचे रहेगा। इसके बाद अब हमने सेकंड वाला पार्ट कट करना है जो हमारे हिजाब के बीच में रहेगा। सो यहाँ से जो हमारी फोल्डेड साइड है ये वाली, इसको ही हमने यूज़ करना है। सो एक साइड से इसका लेंथ ले लेंगे, यानी ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो। सो एक साइड से जो मैं लेंथ ले रही हूँ 28 इंच ले रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हैं तो इसकी लेंथ को आप 25 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, 28 इंच को मैंने डबल कर लिया है, ये हमारी किनारे वाली साइड है। सो यहाँ से मैंने 28 इंच लिया है। एंड ऊपर की तरफ यहाँ से देख सकते हैं आप, ये फोल्डेड साइड है। अब खुली तरफ पर हमने 10 इंच पर मार्क करना है। अगर आप छोटी बच्चियों के लिए बना रहे हैं तो ये मार्क 7 से 8 इंच भी हो सकता है। इसके बाद देखिए, बंद वाली साइड से हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। अब जहाँ तक हमने अपने फैब्रिक की लेंथ ली है, नीचे से ऊपर की तरफ मार्किंग करते हुए हमने ये कर्व शेप देनी है। तो फ्रंट वाला जो पार्ट होगा वो हमारी गोलाई में रहेगा, लेकिन आप इसको अगर ट्रायंगल में बनाना चाहते हैं तो आप इसकी शेप कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं। सो यहाँ से हमने देखिए 10 इंच लिया है। अब यहाँ भी 10 इंच पर इस तरह से वी शेप में मिला देना है। सो ये दो तरह से आप मार्क कर सकते हैं, गोलाई भी ले सकते हैं और इस तरह से वी शेप में भी मार्क कर सकते हैं। अब आप जिस मार्क पर भी कट करना चाहें उस पर कट कर सकते हैं। सो दोनों ही शेप अच्छी लगेंगी, कोई सी भी आप ये शेप रख सकते हैं। सो मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ। तो देखिए, हमने जो मार्किंग की थी बस उसी पर कट कर लेना है। इसके बाद जो हमारी फोल्डेड साइड है, यहाँ दोनों तरफ हमने छोटे से नॉचेस लगाने हैं जो ये सेंटर बनेंगे आगे के और पीछे के। अब हिजाब के लिए हमने कैप कट करना है जो हमारे फोरहेड पर आता है। सो उसके लिए देखिए, यहाँ से हमने फैब्रिक को पहले डबल फोल्ड करना है एंड इसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेना है। सो आगे की तरफ ये दोनों साइड से फोल्डेड है और यहाँ से ये ओपन साइड है जहाँ पर 4 लेयर है। इसके बाद इस साइड से मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इस तरफ से मैंने लगभग 5 इंच पर मार्क किया है। सो ये मार्क भी आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं लंबाई और चौड़ाई में। एंड ये शेप देते हुए हमने इसको मार्क करना है, इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, अगर छोटा साइज़ बना रहे हैं तो कैप का साइज़ भी आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने नॉचेस ज़रूर लगाने हैं। अब देखिए, इस हिजाब की जो कटिंग है वो हमने 3 पार्ट में कट की है। फर्स्ट हमारा बड़ा है, सेकंड उससे छोटा है एंड थर्ड जो है वो हमारा फोरहेड कैप है। एंड ये साइड तीनों की फोल्डेड है और आगे की तरफ ये ओपन रहेगा। तो इसी के साथ इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टिचिंग करते हैं, तो स्टिचिंग के लिए इसको ओपन कर लेते हैं इस तरह से। अब ये 3 पार्ट हैं हमारे हिजाब के, तीनों को हम ओपन कर लेंगे जो कुछ इस तरह से जॉइंट होंगे। अब पहले जो हम बड़ा वाला पार्ट है वो मिडिल वाले पार्ट में इस तरह से सेंटर के सामने सेंटर रखेंगे जो हमने नॉचेस लगाए थे, और इस साइड से हम छोटी छोटी प्लेट्स के साथ इसको जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर जितनी दूरी पर भी छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी वो हम इसके साथ यहाँ डाल लेंगे। तो लीजिए, इस तरह से हमारी ये प्लेट्स डल चुकी हैं। इसके बाद अब हमने अपना कैप अटैच करना है। सो इसको हम पहले डबल कर लेंगे, जो हमने सेंटर के नॉचेस लगाए थे उनको इसके सामने इस तरह से रखना है। अब यहाँ से हमने सिलाई करना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। कैप हमारा कर्व शेप में है तो आगे की तरफ से सिलते हुए इसकी गोलाई कुछ इस तरह से आएगी। 1/2 इंच का मैंने दबाव लेते हुए इसको सिला है। अब हमने इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से, और इसमें एक सिलाई लगानी है। सो ये सिलाई हम अपने फेस के राउंड के हिसाब से लगाएंगे, यानी हमारा फेस का जो जितना भी राउंड होगा उसी के हिसाब से यहाँ लगाएंगे।
सो मैंने 10 इंच पर मार्क किया था, तो 10 इंच पर ही मैं ये मार्क करूँगी और सिलाई लगाऊंगी। सो सभी मेजरमेंट के लिए मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरह से हमने चेक करना है। मैं आपको डमी पर बता रही हूँ। तो देखिए, इंच टेप को हमने इस तरह से फेस के चारों तरफ घुमाते हुए मेजरमेंट ले लेना है। जितना भी आएगा उसे टाइटली इस तरह से पकड़ेंगे। तो मेरा 20 इंच आ रहा है। सो इसी तरह से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिसके लिए आप बना रहे हैं, इसका जो मेजरमेंट है वो ऐसे ही लेना होगा। तो मेरा 20 इंच आया है। अब मैं 20 का हाफ लूँगी, यानी 10 इंच। तो पहले हम बराबर मिलाकर रख लेंगे अच्छे से इस तरह से, और अब हमने इसमें 10 इंच पर मार्क करना है। सो देखिए, मैं आगे की तरफ से 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ यहाँ से। सो ये वाला जो मार्क है, ये थोड़ा बहुत आपका कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसका साइज़ थोड़ा कम हो सकता है, एंड जो हेल्दी लेडीज़ होती हैं उनका ज़्यादा हो सकता है। सो अलग अलग थोड़ा बहुत ही चेंजेस आएंगे। सो ये इस तरह से मेजरमेंट लेके हमने मार्क कर दिया है। अब यहाँ से हमने सिलाई लगा लेनी है हाफ इंच का दबाव लेकर। सो इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा ली है, इतना पार्ट ये ओपन रहेगा। अब हमने इसको इस तरह से ओपन रखना है, और जो हमने सिलाई वाला मार्जिन लिया है इसको हमने इस तरह से खोलते हुए एक पैर की सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई वाला जो दबाव है, यानी अंदर की तरफ जो हमने हाफ इंच का दबाव लिया था सिलाई लगाते हुए, इसको हमने इस तरह से खोलना है और एक पैर की सिलाई लगानी है। अब देखिए, जो हमारा कैप वाला पार्ट है वो आ गया है। सो कैप वाले पार्ट का मार्जिन भी हम अंदर की तरफ ही रखेंगे, और नीचे से कोई झोल नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अच्छे से फैब्रिक को हमने खोलते हुए थोड़ा थोड़ा सेट करेंगे, और एक पैर का दबाव लेकर हमने यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगानी है। इससे अंदर की जो सिलाई है वो फूलेगी नहीं, और ये जो इसकी स्टिच है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इसके बाद हम दूसरी साइड आ गए हैं, तो यहाँ भी हमने एक पैर का दबाव लेते हुए सिलना है, एंड इसको यहाँ लाकर कंप्लीट कर देना है। सो इस तरह से देखिए, ये सिल चुका है, और ये अंदर की साइड है, यानी हमारी सीधी तरफ है। इसके बाद अब हमने अपने हिजाब की जितनी भी बाहर की साइड है, यानी किनारी है, इसको क्वार्टर ही डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, इसको फोल्ड करते हुए हमने थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम सेट करेंगे, और क्वार्टर इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। क्योंकि ये जो हमारे हिजाब के किनारे हैं, यानी फ्रंट वाली साइड है, वो भी गोलाई में है, एंड जो बैक वाला पार्ट था वो भी हमने हाफ सर्कल यानी अम्ब्रेला में कट किया था, तो वहाँ भी हमारी गोलाई आएगी। तो गोलाई वाला फैब्रिक हर किसी से आसानी से नहीं फोल्ड होता है, एंड जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत आती है। सो इसको थोड़ा ध्यान से फोल्ड करना है, या फिर आप चाहें तो इसको पीको भी कर सकते हैं, तो पीको से भी बहुत अच्छा लुक आएगा। तो देखिए, बस इसी सिलाई के साथ जो हमारा हिजाब है वो रेडी हो चुका है। अब इसको पहनना कैसे है वो देखते हैं। तो हिजाब पहनने से पहले हम इस तरह का कोई भी सिंपल इनर कैप पहन लेंगे। इस इनर कैप की वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन पर भी ये इनर कैप की आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल और ईजी सा हमारा ये इनर कैप है, जिसको आप आसानी से 5 मिनट में बना सकते हैं। अब देखिए, इनर कैप पहनने के बाद हम ये हिजाब पहनेंगे, तो ये वाली साइड फ्रंट में आएगी, और जो प्लेटेड वाली साइड है वो इसकी बैक में आएगी। अब देखिए, हिजाब में जहाँ हमने कैप लगाया है वो हमारे फोरहेड पर आएगा। सो इस तरह से हमने इस हिजाब को फेस के ऊपर रखना है, और यहाँ पर सेट करते हुए इसको पहन लेना है। सो बस इसी के साथ ये हमारा हिजाब जो है वो रेडी है इस तरह से। तो फ्रंट से ये कुछ इस तरह से आएगा, और बैक साइड से इसके प्लेट्स आएंगी। प्लेट्स वाली साइड जो है वो हाई लो हो जाएगी, यानी जो हमारे शोल्डर की तरफ है वो प्लेट्स नीचे को गिरेंगे, एंड जो हमारा बन वाला एरिया होगा, यानी चोटी वाला एरिया होगा, वहाँ से प्लेट्स ऊपर की तरफ हो जाएंगी। और इस तरह से ये हमारे हिजाब की जो बैक वाली साइड होगी नीचे की तरफ, वो टेल बनेगी, और हिप वाला जो हमारा एरिया होता है वो भी कवर हो जाएगा। अगर आप टेल ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाहते, यानी हिप वाला एरिया ज़्यादा कवर नहीं करना चाहते, तो जो हमने अम्ब्रेला का 30 इंच की लेंथ ली थी वो आप इस कम कर सकते हैं, तो वहाँ आपकी टैल थोड़ी कम बनेगी। एंड अगर आप मेरे हिसाब से, यानी इस मेजरमेंट के हिसाब से हिजाब बना रहे हैं, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। किसी भी पुराने दुपट्टे के साथ आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपका ओल्ड दुपट्टा है जिसको यूज़ नहीं करते, सो उसके लिए आप इसको ट्राई कीजिए। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपका हिजाब कैसा बना। और इनर कैप की अगर आपको वीडियो देखनी है, तो यहाँ एंड स्क्रीन पर वीडियो आएगी, सो उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा हिजाब
हिजाब की डिज़ाइन आपको देखनी है तो चैनल पर जाकर हिजाब प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ पर आपको ढेर सारे हिजाब मिलेंगे। सो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।